जब दृढ़ इच्छा शक्ति होती है और कार्य का जुनून और जज्बा होता है, सद्भावना के और सबको समेट के चलने के प्रकार प्रयास होते हैं, तो समस्या कोई नहीं होती है। ये मुख्यमंत्री जी हैं जो कानून व्यवस्था की सदैव समीक्षा करते रहते हैं, और यही कारण है कि हमारे प्रदेश के अंदर ग्वालियर चंबल अंचल बुंदेलखंड और विंध्य तक जो डाकुओं का साम्राज्य था आज नहीं है। ग्वालियर में पहले पूरे चंबल रजन में दयाराम गड़रिया, रामबाबू गड़रिया, निर्भय गुर्जर, जगजीवन परिहार तमाम थे। इधर आ जाए बुंदेलखंड और विंध्य में तो यहाँ पर ठोकिया जैसे गुरु थे, सफाया हो गया, एक भी चिन्हित गुरु आज प्रदेश के अंदर नहीं है। कांग्रेस रीजन की बात करेंगे हम तो उस समय आप देखें बालाघाट इलाके में मंत्री परिवहन मंत्री की घर में घुसकर हत्या कर दी लखीराम कामरे जी की, लेकिन मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी के आने के बाद नक्सलाइट पैर नहीं पसार पाया। हम मालवांचल में आ जाए, सिमी का नेटवर्क था ध्वस्त कर दिया, एक मध्य प्रदेश शांति का टापू बन के उभरा, लेकिन इसके बावजूद भी छोटी छोटी वारदात भी कैसे हम समाप्त कर सकते हैं। एक सौहार्द का वातावरण, शांति का वातावरण कैसे निर्माण हो सकता है। त्योहारों का समय आ रहा है, इसकी समीक्षा है और निश्चित रूप से मंथन होगा। तो